हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट कैसे लिखें ताकि शॉर्ट्स के वायरल होने के चांस अच्छे से बढ़ जाएं और आपकी वीडियो को लोग स्वाइप ना करें, अच्छे लगे आपकी वीडियो लोगों को। तो दोस्तों, इसी वीडियो पे आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, लॉन्ग वीडियोज़ की स्क्रिप्टिंग अलग होती है। तो दोस्तों, इसमें हम शुरू में इंट्रो बोलते हैं और फिर बीच में मेन पार्ट बोलते हैं और दोस्तों एंड में आउट्रो बोलते हैं। तो इंटरव्यू में हम अपने चैनल के बारे में कुछ बताते हैं और बीच में हम अपने उसके बारे में बताते हैं कि हम उस वीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आउट्रो में हम अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब या कोई और भी चीज़ बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि शॉर्ट्स में स्क्रिप्टिंग कैसे लिखी जाती है। तो इसी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियोस में अपने चैनल के इंट्रो के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता। तो दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियो के एंड में हम शायद सब्सक्राइब के बारे में बता सकते हैं, लेकिन और कुछ भी अपने चैनल के बारे में शुरू में नहीं बताना, क्योंकि दोस्तों लोग आपकी वीडियो को जल्दी जल्दी में स्वाइप कर देंगे। आपके इंटरव्यू को सुनने के चक्कर में शायद उन्हें वो वीडियो बोरिंग लगने लग जाए। तो दोस्तों, इसी के लिए सिर्फ आप शॉर्ट्स वीडियो में आप अपने चैनल के अपनी वीडियो के एंड में आप अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में सिर्फ उसी टॉपिक पे बात की जाए जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, शायद आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाए। दोस्तों, पहले आप स्क्रीन पे इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या स्क्रिप्टिंग लिखी है, क्या कमी है और क्या नहीं है। दोस्तों, इसके जरिए से आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो को अच्छी बना सकते हैं और कोई भी कमी आए इसमें आप सुधार सकते हैं। दुनिया के पांच सबसे लगेस्ट लोग, नंबर वन, ये देखो ये बंदा जैसे ही इस बर्फ पर पैर रखता है वैसे ही ये बर्फ की चट्टान टूटकर नीचे गिर जाती है। वो तो ठीक है, ये बंदा उस बर्फ के साथ नीचे नहीं गिरता, वरना। नंबर टू, अब ये देखो यहाँ ये बॉक्स इस गाड़ी से गिरकर वापस गाड़ी में चला जाता है, फिर गिरकर फिर वापस गाड़ी में चला जाता है, भाई हो क्या रहा है ये। नंबर थ्री, ये देखो यहाँ ये बंदा मस्त मजे से आ रहा होता है, पर अचानक साइड से एक गाड़ी आ जाती है, फिर एक दूसरी गाड़ी भी आ जाती है, पर लकीली वो इन दोनों गाड़ियों से बच जाता है। नंबर फोर, अब ये देखो ये बंदा सर्फिंग करके जा रहा होता है, पर जस्ट उसके बाद ये बर्फ टूट। नंबर फाइव को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर। ये देखो ये बंदा इस गाड़ी से टकराता तो है, पर टकराने के बाद इसके अंदर स्पाइडरमैन की शक्तियां आ जाती है, जो कूदकर इस गाड़ी की छत पर ही बैठ जाता है। दोस्तों, इस स्क्रीन पर आपने ये वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में इस लड़के ने अपनी वीडियो में कोई भी शुरू में इंटरव्यू नहीं बोला अपने चैनल के बारे में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल का नाम ये है। तो दोस्तों, इसने बीच में एक मरतबा कह दिया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। लेकिन लास्ट में आउटरूम में भी इसने कुछ भी अपने चैनल के बारे में नहीं बताया। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस शॉर्ट्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा वायरल होती हैं और उनके ज़्यादा वायरल होने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए एक प्रकार से इंगेज वीडियो बन जाते हैं। उसमें एक प्रकार से लोगों को एकदम एक स्टोरी सी मिल जाती है कि शुरू में उस बंदे ने क्या कहा, कि एकदम जो हमारा माइंड है वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि शॉर्ट्स की स्क्रिप्टिंग इसी प्रकार से लिखी जाती है। और दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।